हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और स्पंजी पनीर। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पनीर कितना बढ़िया बना है और कितना सॉफ्ट भी है। तो चलिए, ये पनीर बनाने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपका बर्तन सूखा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी जो कढ़ाई है वो पानी से गीली थी, तो इसीलिए मैंने पानी नहीं डाला और सीधा डायरेक्ट उसमें दूध डाल दिया है। पानी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि दूध नीचे बर्तन की तली में लगे ना, और दूध को हम इस तरीके से चलाते हुए गर्म करेंगे। देखिए, दूध बॉयल हो चुका है और 3 से 4 मिनट हम दूध को इसी तरीके से अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। जब भी आप पनीर बनाएं तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आप फुल फैट क्रीम का ही दूध लें या फिर डेयरी वाला दूध लें, इसी से ही पनीर ज़्यादा अच्छा बनता है। दूध बॉईल होने के बाद हम स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसी तरीके से दूध को बॉईल करते रहेंगे। अब पनीर बनाने के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास खट्टा दही है जिससे हम पनीर बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नींबू का रस, हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच नींबू का रस लेना है, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वाइट विनेगर। मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर लिया है और इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर है और 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें पानी मिला लिया है, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने धीरे धीरे करके ये वाइट विनेगर दूध में डाला, और इस तरह से मिक्स करते हुए पनीर अलग हो गया है, आप देख सकते हैं, और पानी अलग हो चुका है। इसी तरीके से हमें 3 से 4 मिनट कंटिन्यू चलाना है। अब गैस फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इस तरीके से 2 से 3 मिनट ऑफ फ्लेम पर ही चलाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पनीर है वो अलग हो चुका है और पानी बिल्कुल ही अलग हो चुका है, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। आप इस पनीर को बॉइल्ड दूध के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपके पास फ्रिज में कोई दूध रखा है एक्स्ट्रा तो उसका भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट से ताज़ा दूध भी लाकर बना सकते हैं। तो अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे। अगर आपके पास छन्नी ना हो तो आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। आप कॉटन का कपड़ा वाइट ही लें, वरना कॉटन का कपड़ा कलर छोड़ सकता है, या फिर एक चुन्नी भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से धीरे धीरे हमें ये पनीर इस कपड़े में से छानना है। आप देख सकते हैं कि पानी अलग हो चुका है और जो पनीर है वो अलग हो चुका है। अब हम पनीर को इस तरीके से धीरे से अलग कर लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पनीर का पानी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। आप इसे पानी को फेंके नहीं, आपका ये पानी बहुत काम आएगा। आप इससे ग्रेवी भी बना सकते हैं या कढ़ी भी बना सकते हैं। इसे कढ़ी में डालने से कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, या फिर आप इसका सूप भी बना सकते हैं या आटा भी गूंथ सकते हैं। अब ये पनीर हमने छन्नी सहित अलग रख दिया था दूसरे बर्तन में। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी, जिससे कि जो विनेगर की स्मेल है, जो कि पनीर में खट्टापन है, वो सारा निकल जाए और पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। देखिए, धीरे धीरे इस तरीके से एक हाथ से मसलते हुए और दूसरे हाथ से पानी डालते हुए हम पनीर का सारा जो खट्टापन है, जो विनेगर का टेस्ट है, उसे निकाल लेंगे। पनीर को इस तरीके से हमें अच्छी तरह वॉश करना है, और वॉश करने के बाद हम इस जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को उठाएंगे और किसी अलग से बर्तन में हम पानी भर के रखेंगे, और इस पोटली को, पनीर वाली जो हमारी पोटली है, उसे हम इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें ये पोटली उठानी है, कपड़ा उसका उठाना है, और धीरे से हम जो इसका सारा जो इसमें थोड़ा बहुत भी अगर रस रह गया होगा, विनेगर का जो टेस्ट है वो रह गया होगा, वो इस तरीके से निकल जाएगा। हमें एक बार इस तरीके से पानी में
2 से 3 बार आप इस तरीके से डिप कर दीजिए। थोड़ा बहुत भी जो टेस्ट होगा इससे वो भी निकल जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें हाथों से इस तरह से प्रेशर करते हुए, देखिए इस तरीके से हमें ये पनीर धोना है। इसके बाद अब हम इस पोटली को पानी से निकाल लेंगे और इसमें से इस तरीके से हल्के हाथों से इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। ज़्यादा टाइट हाथों से हमें इसे नहीं निचोड़ना, हम हल्के हाथों से ही इसे निचोड़ेंगे और अब इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें एक गांठ लगा देनी है, थोड़ा सा हल्के हाथों से ही लगानी है जिससे कि पनीर सेट होने में आसानी हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गांठ लग चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट पे इस तरीके से हमें पनीर को रखना है। देखिए इस तरीके से पनीर को थोड़ा सा फैलाते हुए हम रखेंगे। अब हमें पनीर के ऊपर एक बड़ा सा वेट रखना है। आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं, जो भी आपके घर में भारी वेट हो। मैंने यहाँ चकला रखा है और 1 से 2 घंटे तक चकले को हम ऐसे ही रखने देंगे। आप 2 घंटे बाद देख सकते हैं कि पनीर सेट हो चुका है। अब इस पोटली को खोलकर देखते हैं कि पनीर किस तरह से बना है। तो इस पोटली को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि पनीर कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। देखिए कितना ही सॉफ्ट और कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसी तरीके से 10 मिनट में ही घर पर बहुत टेस्टी सा पनीर तैयार कर सकते हैं। चलिए हम इसे एक बार कट करते हैं। देखिए आप चारों तरफ से इसे देख सकते हैं कि कितना ही बढ़िया तैयार हुआ है। मैं आपको चारों तरफ से भी दिखाती हूँ। देखिए लग रहा है ना एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पंजी पनीर। तो चलिए एक बार इसे कट भी करते हैं। देखिए कट करने में भी बहुत ही इजी है और बिल्कुल भी टाइट नहीं है। देखिए इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप घर पर पनीर बनाकर तैयार कीजिए। मार्केट से महंगा पनीर आता है, आप घर पर ही बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी पनीर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था और 1.5 किलो दूध में 350 ग्राम पनीर निकला है। इसका मतलब 1 किलो पनीर में 250 ग्राम के आसपास पनीर आसानी से निकल जाता है। मार्केट से पनीर बहुत ही महंगा मिलता है, आप इसी तरीके से 2 किलो दूध में 500 ग्राम पनीर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और वो भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी और केमिकल फ्री। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होता है ये पनीर। तो आप इसी तरीके से घर पर ही पनीर बनाएं। आज के बाद जब भी आप कभी भी पनीर बनाना हो तो आप हमेशा घर पर ही बनाएं। अगर आपको मेरा ये पनीर बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरह से पनीर ज़रूर बनाइएगा।